हमारा आज का टॉपिक है गोल मैनिफेस्टेशन थ्रू चक्र बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गोल्स है क्या। गोल्स यानी कि लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या होता है? तो बहुत इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसके लिए एक स्टोरी जो बहुत कॉमन है, आप सबको पता होगा, पांडव और द्रोणाचार्य जी की स्टोरी, जिसमें द्रोणाचार्य जी ने पांडव को कहा कि भाई इस तीर से उस चिड़िया की आंख को साधो। तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी आए, उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा भाई मुझे पेड़ दिख रहा है और टहनी दिख रही है और पत्ते दिख रहे हैं और चिड़िया दिख रही है। और उन्हें साधने बोला गया और नेचुरली नहीं साध पाए। फिर भीम आए, भीम से पूछा गया तो उन्होंने कहा आसमान दिख रहा है, आसमान में कई और चिड़िया दिख रही हैं, उसके साथ में पेड़ की भी चिड़िया दिख रही है। इस तरह से काफी लोग हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति की कि गोल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। फाइनली जब अर्जुन जी आए और उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया, चिड़िया की आंख। तो चिड़िया की आंख जो थी वही उनका लक्ष्य था, वही उनका गोल था जो उनको अचीव करना था। और क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, इसलिए वो उसको साध पाए थे, उसे भेद पाए थे। बाकी और सब नहीं कर पाए थे क्योंकि वो भटक गए थे, उन्हें और बहुत कुछ दिख रहा था चिड़िया के साथ। ऐसा नहीं कि उनको चिड़िया की आंख नहीं दिख रही थी, लेकिन चिड़िया की आंख के साथ वो चिड़िया का आकार भी देख पा रहे थे, उसके पंख भी देख पा रहे थे, जिस टहनी पर बैठी है वो भी देख पा रहे थे, जिस पेड़ पर है वो पेड़ भी देख पा रहे थे, जिस परिवेश में थी उस परिवेश को भी देख पा रहे थे। तो चूंकि उनका ध्यान, उनका एकाग्र जो था वो चिड़िया की आंख के अलावा और भी सब जगह भटका हुआ था, वो चिड़िया की आंख को नहीं भेद पाए। और दूसरी ओर अर्जुन जो सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान एकाग्र होकर चिड़िया की आंख पर लगाए, वे चिड़िया की आंख को एक एक स्ट्राइक में, एक शॉट में वो उन्होंने भेद दिया। तो हमारे जीवन में भी यही होता है, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन हम उसको लेकर क्या हो जाता है, भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फोकस नहीं रह पाते। तो गोल का अर्थ है हमारा लक्ष्य, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए बिल्कुल एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की ये है कि हमें पता ही नहीं हमारा गोल क्या है, हम कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए हम भटकते हैं। जिस दिन हमारा ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और हम अपने गोल को लेके क्लैरिटी ले आएंगे, उस दिन हम सबको भी चिड़िया की आंख दिखने लगेगी। बट बिकॉज हमको ये पता ही नहीं है कि मुझे चिड़िया की आंख देखना है, इसलिए हमें पेड़, टहनी, चिड़िया, पंख, आंख सब कुछ दिखता है। और कभी हम इसे देखते हैं, कभी उसे देखते हैं, कभी उसे देखते हैं, और नेचुरली हम जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। और फिर हम दुखी भी होते हैं कि मेहनत तो हम इतनी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चीज का रिजल्ट चाहिए। अगर आज इसी क्षण भगवान आपके सामने आ जाए और आपको बोले कि मांगो क्या मांगना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतनी चीजें, पेड़ भी है, टहनी भी है, पंख भी है, आंख भी है, चिड़िया भी है, बादल भी है, इतनी सारी चीजें हैं, क्या मांगना है आपको खुद को नहीं मालूम, आप कंफ्यूज है। आपको नहीं मालूम कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो चिड़िया की आंख चाहिए, क्योंकि वो चिड़िया की आंख अगर मिलेगी तो ही आपका जीवन सेटल हो पाएगा। यही है जिसके लिए आप सब जगह भटक रहे हैं, यही है जिसके लिए आप बादल भी देख रहे हैं, पेड़ भी देख रहे हैं, टहनी भी देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये क्लैरिटी लेके आनी है कि हमारे जीवन का गोल्स क्या है, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है, वो एक गोल सीकिंग एनिमल है। एरिस्टोटल बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे जिन्होंने खुद ने कहा कि मनुष्य जो है वो एक गोल सीकिंग एनिमल है, उसे वो लक्ष्य की पूर्ति करना जानता है। और उसका जीवन को तभी एक मीनिंग मिलता है, तभी एक डायरेक्शन मिलता है, तभी एक दिशा मिलती है जब उसके सामने कोई लक्ष्य होता है। अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं हो तो हम भटक जाते हैं। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है,
लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सही लक्ष्य क्या है, हम ये पाना चाहते हैं तो क्यों पाना चाहते हैं, और क्या यही पाकर हमें जीवन में सही डायरेक्शन, सही दिशा मिलेगी। तो आज का जो सेशन है हम इसी पर फोकस करने वाले हैं कि गोल्स क्या है और हम उसे कैसे प्राप्त करें, और फिर हम एक मेडिटेशन भी करेंगे आज जिसमें हम चक्र साधना द्वारा अपने उस गोल्स की पूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे जीवन के अलग-अलग गोल्स क्या हैं? पहले तो हमें ये जानना है कि क्या है हमारे जीवन का पिलर स्टोन, हमारे जीवन का बेसिस जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है, और वो अगर इन ऑर्डर इन प्लेस होता है, सब बराबर होता है, तो हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि हम सब बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत हाई लेवल की सोच रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस हाई लेवल तक पहुंचने के लिए बीज बराबर होना चाहिए। अगर बीज बराबर होगा, अगर हमारी जड़ें बराबर से जकड़ी रहेंगी, प्रॉपरली रूटेड रहेंगी, तभी वो पेड़ बहुत ऊंचा ग्रो करेगा और उसमें हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। बट हम फोकस फल पर करते हैं, हम भूल जाते हैं बीज क्या है और हमारी जड़ें क्या है। तो हमें बीज और जड़ से उस फल तक पहुंचना होगा। अचानक से हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई आपको क्या प्राप्त करना है, तो बोलेंगे भाई हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वंडरफुल, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लेकिन उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए जब ये मनुष्य तन हमने लिया है तो हमें बहुत कुछ भी प्राप्त करना होगा। क्योंकि अगर हम वो सब चीजें प्राप्त नहीं करेंगे, तो अगर भगवान आके बोल भी देंगे ना कि बेटा मैं तुमसे खुश हूं, मोक्ष देता हूं, तो हम बोलेंगे नहीं भगवान, अभी मन नहीं कर रहा, अभी ये चीज तो मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं, इस चीज की लालसा भी रह गई है, मन भरा नहीं अभी तक दुनिया से। तो जब तक दुनिया से मन भरेगा नहीं, तब तक मोक्ष में भी आनंद नहीं आएगा। सात्विक भोग ही मोक्ष की तरफ हमें लेके जाता है। मेरे गुरु हमेशा ये बात कहते हैं, सात्विक भोग, भोग भी लेकिन सात्विक, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम तामसिक भोग में चले जाएंगे तो भटक जाएंगे और फिर हम पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो भोग सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक भोग हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो जब तक हमारे जितने सात्विक भोगों की डिजायर्स है, जो इच्छाएं हैं, अगर हम उसकी बराबर पूर्ति नहीं कर लेंगे, तो मोक्ष भी अगर हमें मिलेगा ना, तो भी हम उसको ठुकरा देंगे कि नहीं नहीं चाहिए। लेकिन बातें करने में जरूर बोलेंगे हाँ हमें तो मोक्ष चाहिए, बट उस मोक्ष को पाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपने आप को अचीव करते जाना होगा। तो क्या क्या एरियाज हैं जो हमारे जीवन को कंप्लीट करते हैं, बैलेंस करते हैं? क्योंकि ये जो लाइफ है ना, द्वैत है, डुअलिटी है हर चीज में। अगर एक को हम अचीव कर रहे हैं तो उसका एक ऑपोजिट भी है, तो हमें दोनों ऑपोजिट को बैलेंस वे में अचीव करना होगा। क्योंकि अगर हम एक की तरफ ज्यादा बढ़ जाएंगे तो दूसरा गड़बड़ हो जाएगा, और जो हमारी गाड़ी जो है, जो चार पहिए पे चल रही है, वो डगमगा जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस्ड वे में अपने जीवन में आगे बढ़े। तो सबसे क्या होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ना हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे, ना हम भोग प्राप्त कर सकेंगे, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इज फिजिकल हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छा है तो वेल्थ भी अच्छा लगेगा, बाकी और डिजायर्स भी अच्छी लगेंगी, रिश्ते नाते भी अच्छे लगेंगे, स्पिरिचुअल पाथ भी अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो हेल्थ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर मुझे अभी इस बात की चिंता करनी पड़ रही है कि अगले बार का जो मेरा भोजन है, मेरे और मेरे परिवार के लिए, वो कहाँ से आएगा, तो फिर मैं कहाँ से अपने स्पिरिचुअल मार्ग में या और कोई भी मार्ग में आगे बढ़ सकूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, प्रॉपरली बराबर रहे। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद से, हमें यह नहीं सोचना पड़ रहा, अपने रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे गोल का ये पार्ट हो। क्योंकि कोरोना में कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत अच्छी नौकरी में थे, सडनली नौकरी चली गई, तुरंत हाहाकार मच गया कि भाई अब कैसे चलेगा, बिजनेस था, बिजनेस में डाउनटर्न आ गया। तो हमारे पास पैरेलल प्लानिंग्स होनी चाहिए,
कि भाई हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं कुछ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरह का हमारा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए जो हमारे डे टू डे नीड बेसिक नीड को टेक केयर कर सके। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स मटेरियल कंफर्ट, रोटी कपड़ा मकान तो है लेकिन इच्छा छप्पन भोग की है, इच्छा बंगले की है, इच्छा और अच्छी गाड़ी की है, इच्छा हवाई जहाज में बैठने की है या उसे भी खरीदने की है। तो मटेरियल कंफर्ट, अब जब ये मनुष्य योनि हमने प्राप्त की है तो ये डिमांड करता है कि भाई हम अच्छा एक हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी लाइफ को जिए, और अगर वैसी इच्छा है और हम सात्विक तरीके से उसको कर सकते हैं देन व्हाई नॉट। नहीं तो वो इच्छा अंदर में रह जाएगी। अगर मुझे घर हो जिसके साथ में गार्डन हो जहां मैं सब्जियों को उगा सकूं, गार्डन में थोड़ा बैठ के अपना साधना कर सकूं, प्राणायाम कर सकूं, अपना अनुष्ठान कर सकूं, तो उसमें गलत बात क्या है? अगर हम सात्विक मार्ग से कर रहे हैं तो ये भी हमारा एक डिजायर होता है कि मटेरियल कंफर्ट की हमारा और अच्छा घर हो और अच्छी गाड़ी हो और अच्छे तरीके से अच्छे स्टैंडर्ड से हमारे बच्चे रहें और बेटर स्कूल्स में पढ़ाई कर सके, उनको मोर बेटर लाइवलीहुड दे सके। फिर आगे हमारा करियर प्रोग्रेस, कि हमारा जो करियर है सबका अलग अलग है। अगर एक वुमेन है हाउसवाइफ है होम मेकर है तो वो उनका करियर है, तो अपने घर को और कैसे बेटर तरीके से चला सकती है, किस तरह से अपने बच्चों को और बेटर केयर कर सकती है, वो उनका करियर हो गया। और कोई अगर वर्किंग है तो अपने वर्क में कैसे और आगे के लेवल्स को प्राप्त कर सकती है, तो ये करियर। नेक्स्ट रिलेशनशिप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, क्योंकि हम सब एक सोल ग्रुप का पार्ट है। हम जितने लोग जुड़े हैं अचानक से नहीं जुड़े हैं, ऐसे तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं बट फिर भी हम कुछ के साथ ही जुड़े हैं। क्यों उन कुछ के साथ जुड़े हैं, क्यों कुछ और के साथ जुड़े नहीं है? क्योंकि वो सब हमारे आत्मा का समूह है जो पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ है और न जाने कितने और जन्मों तक हमारे साथ रहने वाले हैं, और उनके साथ कितना कार्मिक ट्रांजैक्शन है हमारा। तो उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। फिर पर्सनल या सोल का ग्रोथ, हमारे आत्मा का ग्रोथ, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और ये आत्मा कुछ प्राप्त करने के लिए दुनिया में आई है। तो वो क्या प्राप्त करने के लिए आई है और वो क्या करना चाहती है, इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को सेल्फ को एक्चुअलाइज करना। और जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर पाते हैं तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। सो सोल ग्रोथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमें आत्मबोध देता है और हमें आगे की जर्नी पर लेके जाता है जो है हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ। तो हर जगह डुअलिटी है, एक तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ है तो दूसरी तरफ मटेरियल कंफर्ट है, भोग है और योग है। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम इस संसार में आए हैं तो दोनों को बैलेंस करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक तरफ हेल्थ है तो एक तरफ वर्क है, दोनों को बैलेंस करना होगा। वी कांट वर्क एट द कॉस्ट ऑफ आर हेल्थ। हमें बहुत बहुत इच्छा है बहुत आगे बढ़ने की बट हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। एक तरफ रिलेशनशिप है और एक तरफ हमारा हमारे दूसरे डिजायर्स है, सेल्फ की अचीवमेंट्स वगैरह है, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। हम जितने बैलेंस्ड वे में अपने ये सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे हम उतने हैप्पी रहेंगे। प्रॉब्लम लाइफ में होती है कि हम एक गोल के पीछे भागते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उससे कनेक्टेड एक दूसरा गोल भी नीचे में है, और जब हम दोनों को साथ में लेके नहीं चलते तो क्या होता है, गाड़ी के जो पहिए हैं वो डगमगा जाते हैं, डिस्टरबेंस आ जाता है। करियर के पीछे बहुत भाग गए, फैमिली पीछे छूट गई। थोड़े समय बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप रियलाइज करोगे कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, फिर आप करियर को छोड़ोगे और फैमिली के पीछे भागोगे। तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों लानी, दोनों के गोल्स को सेट करके हम दोनों को साथ में लेके आगे बढ़े। भोग के पीछे खूब भाग गए कि योग मोक्ष का रास्ता ही भूल गए। एक समय ऐसा आएगा जब रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड कहाँ पहुंच गए हम,
तो ऐसा क्यों करे, दोनों को बैलेंस लेके चले, या फिर मोक्ष के पीछे खूब भाग गए, हम भोग को भूल गए। और एक समय जब ऐसा आएगा जब वो भोग तीव्र हो जाएगा और हमें मोक्ष मार्ग से डगमगा देगा, तो हमें हर चीज को बैलेंस्ड वे में आगे लेके जाना है। और यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड गोल है। और हमारे जो सात चक्र हैं, वो सात चक्र हमें वही सिखाते हैं कि हम कैसे अपने बैलेंस्ड गोल को अचीव कर सके। ये जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपसे शेयर की, वो सब ये सारे गोल्स हमारे अलग अलग चक्र में ऑलरेडी मौजूद हैं। आई एम श्योर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको चक्रों का अच्छा ज्ञान होगा। अदरवाइज मेरी यूट्यूब चैनल है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने चक्र पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में इन वन और टू सेंटेंस चक्र क्या समझाऊंगी, फॉर दोस्त जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया उनको नहीं आइडिया है, बट डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ और है। तो चक्र जो है, वो चक्र हमारे बॉडी में ऐसे तो 114 चक्र है, बट सेवन चक्र, सात चक्र प्रमुख है जो हमारे रीढ़ के हड्डी के अलाइनमेंट में है। रीढ़ के हड्डी पर स्थित नहीं है, उसी के अलाइनमेंट में, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, सूक्ष्म है। चक्र जो है वो सूक्ष्म है, दे आर एनर्जी बॉडीज, और वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर की तरह है जो क्या करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसको टैप करते हैं, और टैप करके वो नाड़ियों द्वारा वो हमारे जो बाकी शरीर है उनमें प्रवाहित करते हैं। तो जब जब हमारे चक्र इम्बैलेंस होते हैं, तब तब क्या होता है, ये एनर्जी को प्रॉपरली टैप नहीं कर पाते और एनर्जी का प्रवाह हमारे शरीर में बराबर से पहुंच नहीं पाता। और जब ऐसा होता है कि एनर्जी गड़बड़ हो गई, या तो ज्यादा हो गई नहीं तो कम हो गई, बैलेंस नहीं रही, तब हमें या तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, वो जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे चक्र हैं उन चक्र को हम प्रॉपरली बैलेंस करके रखें, बिकॉज जब चक्र बैलेंस होते हैं तो हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब चीज बराबर से होती है। तो ये हमारे सात चक्र क्या है, सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला भाग है, टिप ऑफ द टेल बोन, वहां पे स्थित है हमारा मूलाधार चक्र। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, हमारी नाभि से चार अंगल नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो कि 6 पेटल्स का है। मूलाधार 4 पेटल्स का है, रेड कलर का है, पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। स्वादिष्ठान 6 पेटल्स का है, ऑरेंज कलर का है और जल तत्व का बना हुआ है। मणिपुर चक्र नाभि पर स्थित है, येलो कलर का, 10 पेटल है इसके और अग्नि तत्व का है। अनाहत यहाँ मेरे वक्षस्थल पर, चेस्ट पर, इसके 12 पेटल्स है, ग्रीन कलर का है। विशुद्धि यहाँ पर कंठ पर स्थित है, 16 पेटल्स, इंडिगो कलर का है, ब्लू कलर का। आज्ञा इंडिगो कलर का, हमारे यहाँ पे दो भौहों के बीच में इंडिगो कलर का 2 पेटल्स का आज्ञा चक्र है, और यहाँ पे सहस्रार है हमारे 1000 पेटल्स का, वायलेट कलर का सहस्रार चक्र। इस तरह से ये सात चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, और इन्हीं से ही हमारा पूरा जीवन जो है वो कंट्रोल्ड होता है। बेसिकली ये सात कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जो रिमोट कंट्रोल की तरह हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो सारे गोल्स मैंने आपसे डिस्कस किए, ये कौन से चक्र में क्या है, अब हम उसको समझेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूलाधार, मूल आधार, मूलाधार मींस बेसिस। तो हमारे जीवन का बेसिस क्या है, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होगा तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेंगे, हम पशु बन जाएंगे। जिस तरह से एक पशु देखते हैं हम, दो श्वान को, दो डॉग्स को, एक के पास रोटी आती है तो दूसरा कैसे उस पर अटैक करता है झपटने के लिए, और किस तरह से झपट के भाग जाता है, और अपनी अपनी टेरिटरी वो करके रखते हैं, कोई एक दूसरा उसकी टेरिटरी में आ जाए तो कैसे भौंक के उनको भगा देता है। तो हम में और उनमें फिर ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, बिकॉज हम सॉर्टेड है अपने बेसिक नीड्स को लेकर, इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस अप हो गई है। तो मूलाधार जो है वो हमको एक इंसान बनाता है, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स जो है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड है, इसके बिना
आप एक सेकंड के लिए भी सोचिए, अगर इसमें से कोई भी चीज गायब हो जाए तो क्या होगा आपके जीवन का? ये आपके जीवन का बेसिस है, एंड बिकॉज ये इतने अच्छे से आपके जीवन में सेट है कि कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हमारी ग्रेटिट्यूड ही नहीं जाती कि भगवान थैंक यू, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि अगला खाना कहाँ से आएगा, वो अपने आप रेडी है हमारे पास। हम ये सोचते अगला क्या खाएं, हम हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। सभी मम्मियों का ये रहता है, अब क्या बनाऊं, लंच तो हो गया, लंच करते करते डिनर में क्या बनाऊं, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि अगला क्या बनाऊं, लेकिन ये नहीं सोचना पड़ता कि अगला कहाँ से आएगा, बिकॉज हमारा मूलाधार सेटल्ड है। तो मूलाधार रोटी कपड़ा और मकान, और यहीं पे मैंने स्वास्थ्य को ले लिया है। बेसिकली हमारे 7 चक्रों के साथ अलग अलग हमारे हेल्थ के पार्ट्स जुड़े हुए हैं। जो नेक्स्ट बार जब मैं सेशन लूंगी आफ्टर 15 डेज, तब मैंने प्लान किया है कि मैं चक्र को फिजिकल हेल्थ के साथ में कनेक्ट करके फिजिकल हेल्थ की हीलिंग पर हम फोकस करेंगे। बट बिकॉज हेल्थ हमारे जीवन का एक बेसिक पार्ट है, इसलिए मैंने फॉर कन्वीनियंस आज के लिए मूलाधार चक्र के साथ उसको लिंक कर दिया है कि रोटी कपड़ा और मकान और जो आपका स्वास्थ्य है उसको आप मूलाधार पर सोचें। इसके बाद स्वादिष्टान, रोटी कपड़ा मकान तो मिल गया, लेकिन और बेटर मकान हो, साथ में गार्डन हो, 3 रूम है, थोड़ा कम पड़ रहा है, अब बेटे की शादी होनी है तो एटलीस्ट 4 रूम या 5 रूम का घर हो, किचन थोड़ा और बड़ा हो, तो ऐसे हमारे और डिजायर्स हैं। गाड़ी, एक गाड़ी कम पड़ रही है, 2 गाड़ी होगी तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा कपड़ा हम पहने और फैशन के साथ चले, खाना और कैसे हम क्या डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन बना सकते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान सेटल्ड हो गया, मूलाधार सेटल्ड है, अब स्वादिष्टान की भोग और कैसे बेटर कर सके, लेकिन भोग बार बार मैं कहूंगी सात्विक होना चाहिए। तामसिक भोग आसक्ति लेके आता है, और सात्विक भोग क्या करता है, सात्विक भोग में भोगते भोगते उससे फिर हमें वो हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और इच्छा नहीं होती। सात्विक भोग में जब हम जैसे ही थोड़ा भोग लेते हैं उसके बाद में हमें लगता है कि नाउ आई एम डन, आई डोंट वांट इट एनी मोर, हो गया, अब इच्छा खत्म हो गई। बहुत इच्छा थी रोज नए नए कपड़े पहनूं, अब ऐसा हो गया क्या खरीदना, वही तो है मेरे पास, जो है बहुत है, अब गिनती के रखूंगी मैं। पहले इच्छा होती थी ये खा लूं वो खा लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, अब उतनी इच्छा नहीं है कि भाई अपना लिमिट में आज मैं खाली 5 अन्नी खाऊंगी या ऐसा ही करूंगी। तो सात्विक भोग हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है, और भोग जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम भोगेंगे नहीं तो क्या होगा, हमेशा उसकी लालसा हमारे मन में रहेगी। जलेबी को जब तक चखेंगे नहीं हम समझेंगे नहीं जलेबी का स्वाद क्या है, और जब तक जलेबी का स्वाद को हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक जब जब कोई दूसरा खाएगा मन ललचाएगा, मन ललचाएगा कि कैसा स्वाद है। इसलिए हमें खुद को स्वाद लेना है, लेकिन सात्विकता का, बार बार ये कह रही हूं, क्योंकि जैसे ही हम तामसिक चीजों में पड़ जाएंगे वैसे ही गड़बड़ शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा मणिपुर चक्र, जो क्या कराता है, वर्ल्डली अचीवमेंट करवाता है, करियर ग्रोथ लाता है, हमें डू और डाई एटीट्यूड लाता है, कुछ करने की छलत है कि यस अब इस दुनिया में आई हूं तो कुछ तो ऐसा करके जाऊं कि दुनिया में नाम हो जाए। तो मणिपुर चक्र हमारे अंदर एक पैशन लेके आता है, एक अचीवमेंट ओरिएंटेशन लेके आता है, कुछ काम करने की, कुछ जबरदस्त काम करने की इच्छा को लेके आता है, हमारे करियर को आगे लेके जाता है। फिर है हमारा अनाहत चक्र, ये हमें जोड़ता है हमारे सोल ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ। हमारे अंदर अनकंडीशनल लव, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस की भावना को लेके आता है, क्योंकि जब तक ये भावना हमारे अंदर होंगी नहीं हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी तक मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्र क्या कर रहे थे, ये 3 चक्र हमको संसार से जोड़ रहे थे, संसार से हमें सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करवा रहे थे। वो जरूरी है क्योंकि हम संसार में आए हैं, हमने मनुष्य तन इसीलिए प्राप्त किया है कि हमारे अंदर जो भी सांसारिक डिजायर्स हैं उसकी हम पूर्ति कर सके, क्योंकि
तो ये तीन चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर हमको संसार से जोड़ते हैं और सांसारिक उपलब्धियां कराते हैं। फिर आता है हमारा मिडिल ऑर्डर चक्र, वो क्या है? अनाहत। तो अनाहत हमें संसार से लेके जाता है दूसरे संसार की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर, मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर लेके जाता है। और वो कब होगा? जब हमारे अंदर परोपकार की भावना आएगी, अनकंडीशनल लव, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और फॉरगिवनेस, क्षमा भाव। जब इस तरह के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो हमारा अनाहत चक्र खुलता है, और जब अनाहत चक्र खुलता है तो हम आगे एडवांस करते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। और जो आगे के तीन चक्र है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये तीन हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ प्राप्त करवाते हैं। तो विशुद्धि क्या करता है? विशुद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन मींस एक्चुअल में जो आप हो उसको एक्सपीरियंस करना। तो एक्चुअल में आप क्या हो? आप एक्चुअल में एक आत्मा हो। आप एक्चुअल में एक आत्मा हो जो इस धरती पे आई है कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो उससे आपको जो आपका बिगर सोल पर्पस है, आपके आत्मा का जो पर्पस है, उसके साथ आपको कनेक्ट कराता है, आपको अपने ट्रू सेल्फ के साथ, आपके रियल आई के साथ कनेक्ट कराता है। और तभी आपको रियलाइजेशन होता है। रियल आई को जानना ही रियलाइजेशन है, और रियलाइजेशन के आत्म साक्षात्कार। तो आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ते हो विशुद्धि चक्र से, क्योंकि विशुद्धि चक्र आपके अंदर वो जागरूकता लेके आता है। फिर आया आज्ञा। यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र जो आपको स्पिरिचुअल मार्ग की उपलब्धियां प्राप्त कराता है। जैसे आपको स्वादिष्ठान मटेरियल मार्ग की उपलब्धियां, संसार की उपलब्धियां कराता है, गाड़ी, मकान, ये वो। और आज्ञा करा क्या कराता है? आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां कराता है, अष्ट सिद्धि, नव निधि, क्लेयरवॉयंस, इंट्यूटिव पावर्स, साइकिक पावर्स, तरह तरह के आपके अंदर उपलब्धियां आती जाती है। और जब आप ये उपलब्धियों में भी नहीं अटकते, क्योंकि अल्टीमेटली है तो मनुष्य ही ना, तो माया के साथ एक कनेक्शन तो है ही, तो अगर हम उस माया के साथ कनेक्शन इस लेवल पर भी त्याग कर आगे बढ़ जाते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? अपने सहस्रार चक्र पर। और यहीं पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम मर्ज विद इनफाइनाइट करते हैं। वो जो सुपर पावर है उनके साथ हमारा एकाकार हो जाता है, मर्जिंग हो जाती है, मोक्ष जाती है। तो ये जो सात चक्र हैं, ये सात चक्र में आइडियली आपके सारे गोल्स छिपे हुए हैं। और अगर आप इसी तरह से एडवांस करोगे, ये हमारा गोल पिरामिड, सबसे पहले मूलाधार चक्र क्या करा रहा है? बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान एंड आपका स्वास्थ्य। ये जब बराबर हुआ, सेटल हुआ, तब आपकी इच्छा कहां तक आई? स्वादिष्टान चक्र, जो आपको सात्विक भोग करा रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी को लेकर आ रहा है। क्योंकि जब रोटी, कपड़ा और मकान सेटल होता है ना, तभी क्रिएटिविटी आती है, तभी क्रिएटिविटी आती, तब तक क्रिएटिविटी नहीं आती। और हम में इच्छा होती है कि भाई हम, रोटी तो मिल रही है, अब थोड़ी सी घी की लगी हुई हो, मकान तो है और बेटर हो, गाड़ी तो है और बेटर हो। तो ये कराता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। फिर मणिपुर, मणिपुर हमें वर्ल्डली एडवांसमेंट एंड करियर ग्रोथ, क्योंकि तो जब सब चीजें बराबर रहती हमें इच्छा आती कि यस कुछ और स्पेशल काम होना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारा सब कुछ सेट है, अब करियर में कुछ और एक फास्ट ट्रैक, कुछ और ग्रोथ आना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तब हम चाहते कुछ करियर में हम जंप करें, कुछ और करें, अपनी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करें, बिजनेस में भी एक्सपेंशन करें। तो हमें बहुत, क्योंकि हमारा लाइफ अब सेट है, सब कुछ अच्छे है हमारे लाइफ में, अब हमारे अंदर इच्छा होती कि कुछ और स्पेशल करें, कुछ और बड़ा करें। और फिर अनाहत चक्र वो क्या करता है? जब हम एकदम सेटल्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं अपने आप से कि हाँ भाई हमारा हर चीज टेकन केयर ऑफ है, तब फिर क्या होता है? तब अनाहत चक्र जागृत होता है, जो हमारे अंदर क्या करता है? लव एंड बिलोंगिंगनेस लेके आता है, अनकंडीशनल लव, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस की भावना लेके आता है। फ्रेंड्स, फैमिली और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारी सोसाइटी है, उनके प्रति कुछ करने की इच्छा को जागृत करवाता है। एंड देन
और जब ये सब इच्छाएं जागृत होती हैं, तब हम शरीर बोध से कहां पढ़ते हैं? आत्मबोध तक। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर ये हमको शरीर बोध में लेकर जाता है। और अनाहत से क्या होता है? एक ब्रेक थ्रू हो जाता है, हम शरीर बोध से आगे बढ़ते हैं आत्मबोध की तरफ, और विशुद्धि हमें लेके जाता है आत्मबोध में, जहां हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि हम हैं कौन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, हमारे एग्जिस्टेंस का हमें रीजन पता होता है कि भाई हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, हम क्यों क्यों आए हैं यहाँ पर, रियल कारण क्या है हमारा। हम आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं, और फिर जब आज्ञा चक्र हमें स्पिरिचुअल पाथ में और आगे लेके जाता है, हम गुरु के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अष्ट सिद्धि, नव निधि, क्लेयरवॉयंट, इस तरह के बहुत सारी शक्तियों को हम, आध्यात्मिक शक्तियों को हम प्राप्त करते हैं, और फाइनली सहस्रार में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो सात चक्र हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली हमें बैलेंस्ड गोल की तरफ अचीव कराते हैं, जहां भोग और मोक्ष दोनों बैलेंस्ड है। क्योंकि अगर दोनों बैलेंस्ड नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर भोग विदाउट मोक्ष है तो वो भोग सात्विक नहीं होगा, वो नकारात्मक बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ मोक्ष पर फोकस करेंगे बट हमने सब चीजों को भोगा ही नहीं है, हमारी तृप्ति ही नहीं हुई है, तो क्या होगा? हम करते तो जाएंगे बट रूटिंग नहीं आएंगे, क्योंकि मन तृप्त होना चाहिए, वो तृप्त नहीं हुआ है। तो जब अतृप्त रहेगा तो फिर हमसे और गलत कार्य को कराएगा, जो हम देखते भी हैं कई बार हमारे आसपास में, कि भाई पूरी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई लेकिन हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए फिर हम कुछ ऐसा गलत काम कर जाते हैं जो सही नहीं है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो हमारे जो सात चक्र है वो इस पिरामिड की तरह है, जो हमको इस तरह से लेके जाते हैं हमारे अल्टीमेट, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो हमारा मोक्ष ही है। आत्मा का जो अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष है, तो हमारे अल्टीमेट गोल की तरफ हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अब गोल सेटिंग, अब ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे गोल्स किस प्रकार के होने चाहिए और किस तरह से हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन गोल सेटिंग कैसे करें, हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए? हमारे गोल्स होने चाहिए स्मार्ट गोल्स। तो स्मार्ट गोल्स क्या हुआ? एस फॉर स्पेसिफिक, एकदम क्लियर। सपोज हेल्थ को हम पकड़ते हैं कि हम हेल्थ के क्राइटेरिया में हम लिखेंगे कि भाई हमारे गोल सेटिंग को करेंगे। तो हेल्थ में क्या गोल होना चाहिए हमारा? सपोज मेरे हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है? ओबेसिटी प्रॉब्लम है, मोटापा बहुत हो गया है, तो मुझे वजन कम करना है। तो होगा क्या वजन कम? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए कि भाई मुझे वजन कम करना, ये हो तो गया स्पेसिफिक लेकिन मेजरेबल, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हेल्थ, मुझे हेल्थ अच्छा रखना है, ये गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। बट हेल्थ में अगर मैं फिर डिटेल में जाऊंगी कि मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है, मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम है मोटापा, क्योंकि उसी के कारण मेरे सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मेरा स्पेसिफिक क्या होगा कि मुझे वजन कम करना है, बट सिर्फ वजन कम करने से नहीं होगा, वो मेजरेबल बनाना होगा। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, 10 kgs मुझे लूज करना है। फिर एक्शन ओरिएंटेड, सिर्फ बोलूंगी 10 kg कम हो जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे उसके लिए एक्शन स्टेप्स क्या लेने हैं वो क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे खाने में इतनी ही कैलोरीज खानी है, इतने ही टाइम खाना है, ये खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का बना हुआ सादा खाना खाना है, इतने देर मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतनी योगासन करने, इतना प्राणायाम करना है, ब्ला 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 ब्ला। तो मुझे उसका एक्शन स्टेप्स लिखना पड़ेगा कि मैं उसके लिए क्या प्राइस पे करने को तैयार हूं। एक्शन मतलब प्राइस पे करना। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं है, कुछ भी मुफ्त नहीं है। और अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो मैं आपको सच्ची बोलूंगी, उसको रिटर्न कर दीजिए। कुछ भी चीज जीवन में मुफ्त नहीं मिलती, क्योंकि जीवन का लॉ ऑफ नेचर ही है गिव एंड टेक। जब तक आप कुछ दोगे नहीं,
किसी से अगर आपको अच्छी एडवाइस भी मिली तो नेचुरली अगर आप उनको पैसा नहीं देना है तो क्या करो, आशीर्वाद दे दो, लेकिन रिटर्न में जरूर से कुछ ना कुछ दो, आशीर्वाद के रूप में दो, पैसे के रूप में दो, कुछ और चीजों के रूप में दो, कुछ और हेल्प के रूप में दो, लेकिन देना जरूर। मुफ्त में कभी भी किसी से कुछ भी नहीं पाना, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में फंस जाते हो। तो वैसे ही जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर आप 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो आपके एक्शन स्टेप्स पूरे क्लियर होने चाहिए कि मैं क्या क्या करूंगी ताकि मैं इसे अचीव कर सकूं। यू नीड टू पे द प्राइस। फिर आर क्या रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट, क्या ये मेरे लिए रियलिस्टिक है कि नहीं है। सपोज मेरा अभी पाँव फ्रैक्चर हुआ है, मैं बेड रिडन हो गई हूँ, और मैं तब सोचूं कि मेरा 10 किलो वजन कम हो तो क्या रियलिस्टिक होगा? नहीं, मैं तो बेड पर हूं, मैं ना एक्सरसाइज कर सकती ना कुछ कर सकती, ऊपर से दवा वगैरह मुझे खानी पड़ रही है, तो नहीं रियलिस्टिक है ये। आई नीड टू वेट कि भाई मेरा 3 महीना चला जाए, मैं फिर से वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाऊं, एंड देन मैं अपने गोल्स को सेट करूं। अदरवाइज अगर रियलिस्टिक गोल्स मैं सेट नहीं करूंगी तो क्या होगा, मैं खुद दुखी होंगी कि भाई मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ बट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं खा तो कुछ भी नहीं रही हूँ बट साथ में जो एक्सरसाइज करनी वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर आप ये मत सेट करो, आप ये करो कि मेरा और वजन ना बढ़े, क्योंकि 10 किलो बिस्तर पे लेटे लेटे तो कम हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये गोल ले सकते हो कि भाई आप ये गोल ले सकते हो ये गोल ले सकते हो कि आपके जीवन में जो सब चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, आप और वजन ना बढ़ाओ, ये आप सोच सकते हो। एंड देन टाइम बाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर टाइम बाउंड नहीं हुआ तो भी कोई फायदा नहीं। भाई मुझे 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन 10 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, 10 महीने में करना है, वो तो डिसाइडेड होना चाहिए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, एग्जैक्टली क्या प्राप्त करना है। मेरी चिड़िया की आंख मुझे क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक मतलब चिड़िया की आंख, मेजरेबल, एक आंख की दो आंख, एक्शन ओरिएंटेड कि भाई किससे करूंगी, मैं तीर से करूंगी कि क्या चीज से करूंगी, रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट, भाई मुझे तीर धनुष आती है कि नहीं आती है, मुझे तीर धनुष आती ही नहीं, बाण चलाना आता ही नहीं, और मैं सोच चिड़िया की आंख भेदू, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। एंड देन टाइम बाउंड, आज करना है, कल करना है, कब करना है, कितने दिनों में करना है। तो ये हमारे स्मार्ट गोल्स हैं। तो गोल सेटिंग जो हमें करनी है वो क्या करना है, स्मार्ट करना है। एंड देन इस स्मार्ट गोल को फिर हमें फर्दर ब्रेक डाउन करना है लॉन्ग टर्म में कि अगले 5 से 10 साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जो भी हमने सात चक्र के बारे में समझा था, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, तो ये सब के हिसाब से आप अपने गोल सेट कर सकते हो, और गोल सेट करके आप फिर उसको प्लान करो भाई मेरा लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपके सारे गोल्स लॉन्ग टर्म से कैस्केड होने चाहिए। आपका आपको ओवरऑल आपके लाइफ का आपको पर्पस समझ में आना चाहिए। आप प्राप्त कर तो करना चाह रहे हो कुछ, लेकिन आप रास्ता कुछ और फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म, फिर लॉन्ग टर्म से मिड टर्म आपका, सॉरी यहाँ 5 to 10 years मैंने लिख दिया, 2 to 5 years, लॉन्ग टर्म है 5 to 10 years, मिड टर्म इज 2 to 5 years, और शॉर्ट टर्म हो गया 0 to 2 years। एंड देन फाइनली ये शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके हैं लिंक्ड होने चाहिए आपके डेली टारगेट्स के साथ में, आपकी दिनचर्या के साथ में, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गोल आपकी दिनचर्या के साथ कनेक्टेड नहीं है वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। तो आप जो भी एक गोल चाहते हो, आप गोल क्या चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, एकदम स्वस्थ शरीर आपका ये गोल है, भाई 10 साल बाद मैं जब 60 साल की होंगी तो भी मैं इसी तरह से हेल्दी रहूं, तो आपका फिर मिड टर्म गोल क्या हो जाएगा, मिड टर्म हो जाएगा कि भाई आपका वेट करेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या हो जाएंगे कि भाई मेरा जो एक्सेस वेट है वो मेरा फिर लूज होना चाहिए। फिर आपकी दिनचर्या में क्या आ जाएगा कि रोज का योगासन होगा, रोज का प्राणायाम होगा, खाने में सात्विक भोजन होगा,
तो ये सब आपकी दिनचर्या में, तो ये सब जब आपकी दिनचर्या में आएगा कि भाई आप अपना योग प्राणायाम, अपना क्या बोलते हैं ये, किस तरह का भोजन करना है उस पर ध्यान, कि कैसे सोना है, किस तरह से आपकी जो जीवन शैली है उसको कैसा होना चाहिए, अगर अब उस पर ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म में आज से 10 साल बाद जो आप चाहते हो कि भाई मैं 60 साल की हूँ, 70 साल की हूँ, 80 साल की हूँ, तभी भी मैं बिल्कुल हेल्दी रहूं, मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े, तब आप उसको अचीव कर सकोगे। अचानक से 70 साल पे अगर एक दिन आप जागोगे और बोलोगे कि अरे मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, पॉसिबल ही नहीं है भाई, आपने जंक फूड आपने आप खाते रहे, बिल्कुल हिसाब से आपने अपना ध्यान ही नहीं दिया, आपने अपने शरीर का केयर ही नहीं किया, और अगर आप अब सोच रहे हो कि नहीं मैं परफेक्ट हूं, तो इम्पॉसिबल है। वही आपके 10 साल बाद में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए आइडियली हमारा क्या होना चाहिए, हमारे जो गोल्स है वो गोल्स हमारे लॉन्ग टर्म से दिनचर्या के साथ में पूरे कनेक्ट होने चाहिए, कनेक्टेड कनेक्टेड, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स में जो हम अचीव करना चाहते हैं और वो 10 ईयर्स का जो रिफ्लेक्शन है वो अगर मेरे दिनचर्या के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरी जो आज की दिनचर्या है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है 10 साल बाद मैं जो चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 10 साल बाद मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो, बट आज की दिनचर्या में मैंने अपना मंत्र जाप, अपनी साधना, ये सब पर कोई केयर ही नहीं किया, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं चाहती हूँ 10 साल वेल सेटल्ड लाइफ हो, भाई मैं अपने काम को छोड़ दूं, सिर्फ समाज सेवा वगैरह करूं, बट आज के दिन पर मैं फोकस ही नहीं कर रही हूं कि भाई मेरी सेविंग्स बराबर हो, मेरी उतनी अर्निंग हो कि घर खर्च निकल के मैं उतना जमा करती जाऊं, ताकि 10 साल बाद मैं एकदम बिल्कुल जो जीवन है बिल्कुल जैसा चाहते वानप्रस्थ टाइप का वैसा मैं जीऊं, तब मुझे सोचना ना पड़े कि भाई कहाँ से मुझे पैसा कमाना है, क्या करना है, सिर्फ अपना धर्म ध्यान पूजा पाठ पे लगाऊं। वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो आप 10 साल बाद, 20 साल बाद कैसा जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, उस जीवन को आपको आज के दिनचर्या के साथ लिंक करना होगा। जब आपकी आज की दिनचर्या आपके भावी जीवन के साथ लिंक रहेगी, तभी आपका जो जीवन है, आपकी जो गाड़ी है, वो सही दिशा पे चलेगी। नहीं तो जाना था दिल्ली और पहुंच गए कलकत्ता, और अचानक से कलकत्ता पहुंच के हम देखेंगे कि ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गई, मुझे तो दिल्ली जाना था। तो दिल्ली था आपका लॉन्ग टर्म गोल, लेकिन आपकी दिनचर्या आपको कहाँ लेके चली गई, कलकत्ता लेके चली गई। तब क्या कर सकते हो, कांट डू एनीथिंग, समय भी बीत जाएगा तब। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करना है कि हमारे गोल्स क्या हैं, फिर वो गोल्स को हमको क्या करना है, स्मार्ट बनाना है, और स्मार्ट बना के हमको फिर इस तरह से ब्रेक डाउन करके अपने दिनचर्या में उसको लेके आना है। जो चीज आपकी दिनचर्या में नहीं है वो चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ स्वप्न है, वो सच्चाई में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो सबसे पहले व्हाट प्राइस यू आर रेडी टू पे, जैसा कि मैंने कहा, अगर मुझे वजन पे कम करना है तो मैं क्या प्राइस पे करना चाह रही हूँ, मैं क्या सिंपल खाना खा रही हूँ, सात्विक भोजन खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, योग प्राणायाम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मुझे अगर आध्यात्म के मार्ग में बहुत आगे बढ़ना है तो मैं क्या प्राइस पे कर रही हूँ, मैं रोज कुछ अध्यात्म के मार्ग में बढ़ने के लिए कुछ ये पढ़ रही हूँ, अध्ययन कर रही हूँ, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, कुछ अनुष्ठान कर रही हूँ, व्रत उपवास करके अपने शरीर को और मजबूत बना रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा जीवन बहुत सेटल्ड रहे, तो सेटल्ड रहने के लिए आज मैं अपने करियर के ऊपर मैं क्या फोकस कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरा परिवार बहुत अच्छे से रहे, तो अगर मेरा परिवार बहुत अच्छे से रहे, मेरे बच्चे बहुत अच्छा अपना जीवन प्राप्त करें, तो आज मैं अपने बच्चों पर कितना ध्यान दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो जीवन में बहुत अचीव करें, तो आज क्या मैं उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, मैं आज क्या उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हूँ, मैं आज क्या उनके वैल्यूज पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि तो आज अगर मैं उनके हेल्थ, उनके वैल्यूज, उनकी पढ़ाई, उनकी सारी चीजों पर ध्यान दूंगी, तो वही कल बनेगा ना। कल अचानक से उठ के मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैंने अपनी दिनचर्या में उन चीजों को नहीं डाला था। तो व्हाट प्राइस आर यू रेडी टू पे, और वो प्राइस पे कैसे होगा, दिनचर्या में उन चीजों को डालकर। देन नेक्स्ट, डोंट कंपेयर विद अदर्स, क्योंकि
मेरे जीवन का पर्पस अलग है, उनके जीवन का पर्पस अलग है। हम सब अपने जीवन में अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करें, दूसरों के गोल्स को देखकर ना भटकें। प्रायोरिटाइजेशन, हमारे जीवन के अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करें। मेरे गर्भ संस्कार के ग्रुप में बहुत सारी अलग अलग महिलाएं हैं, तो जब कोई महिलाएं 35 के एज की मेरे से डिस्कस करती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज अपने करियर को अभी आप थोड़ा स्लो डाउन कीजिए और टोटल फोकस कीजिए अपनी प्रेगनेंसी पर और अपने बच्चे पर। और वही कोई महिला अपने 20s में होती है, 25, 26, 27, तो मैं उनको बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को साथ में लेके चलो, आराम से होगा, टेंशन नहीं। तो हमारे जीवन के हर अलग अलग मोड़ पे अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, और हमें उन प्रायोरिटीज को समझ के अपनी दिनचर्या को ऊपर नीचे करना पड़ता है। कभी तबीयत ज्यादा खराब है तो हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बच्चों के एग्जाम है तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि क्या हमारी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से हमें चीजों को आगे पीछे करना है। और उसके साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि अपने आप को हम बर्न ना कर ले, अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल एक रैट रेस में ना लग जाए, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो रेस नहीं है, वो मैराथन है। मैराथन में क्या इंपॉर्टेंट है? मैराथन में इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना। फिनिशर कहते हैं इसलिए उन लोगों को जो मैराथन में पहुंच जाते हैं। यू नीड टू फिनिश, यू नीड टू रीच द फिनिशिंग लाइन, वो इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे उतना फर्क नहीं पड़ता। और रेस में क्या होता है कि आपको फटाफट पहुंचना है अपने फिनिशिंग लाइन पर, जो फर्स्ट आता है वो जीतता है, बाकी लोगों का कोई वैल्यू नहीं। तो हमारा जीवन कोई रेस नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज में कोई आगे बढ़ गया, अगले में कोई और बढ़ जाएगा, और जो रेस में भाग लेता है वो इतनी तेज दौड़ता है कि फिनिशिंग लाइन के बाद वो पस्त हो जाता है। उसको तुरंत अगर बोलो आपको अगली रेस में जाना है तो उसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगी, तब कोई और उससे जीत जाएगा। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है, जो मैराथन की तरह जीवन को लेता है, वो क्या करता है, वो आराम से अपने जीवन के सब चीजों को प्राप्त करता है। तो हमारा जीवन जो है वो रेस नहीं है, वो मैराथन है। और हमें कंसिस्टेंटली बिल्कुल ध्यान से अपने जीवन के सारे आयाम को अचीव करना है, भोग को भी प्राप्त करना है और मोक्ष को भी प्राप्त करना है। अगर हम बोलेंगे कि सिर्फ हम फोकस मोक्ष पर रखें और भोग पर नहीं रखें, तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर रोटी कपड़ा मकान बराबर नहीं रहा और हमारे अंदर में कुछ डिजायर्स रह गई, तो मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। और वही अगर हम सिर्फ इसी पर ध्यान दे दिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिए, तो हम भटक जाएंगे। इसलिए हमें सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है।